उनका प्रोग्राम लगा हुआ है 10 तारीख का गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में। उनका भव्य सत्संग होगा, प्रवचन होगा, भगवान के नाम का गुणगान होगा। और जैसा कि आप लोग भी बहुत बड़े भगवत प्रेमी हैं और महाराज जी के हम भी भक्त हैं, और मैं अपने सहज यात्रा यूट्यूब चैनल के माध्यम से भगवान जी महाराज जी के बारे में जो भगवान महावीर बजरंग बली श्री बालाजी महाराज जी के भक्त हैं, सिद्ध भक्त हैं, उनके भक्त से थोड़ा आशीर्वाद की आकांक्षी हैं कि हम आपके लिए ये अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से एक वीडियो बना रहे हैं। और महाराज जी सहज यात्रा कोशिश करेगा कि आपका जहाँ भी सत्संग हो वहाँ के मार्ग कैसे पहुँचे, वो सब चीज़ें थोड़ा सा हम गाइड करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो हम साथियों लेके चलते हैं अपने स्क्रीन पे लैपटॉप की, वहाँ चलिए आप और देखिए। हम हैं डिस्ट्रिक्ट गुना जो मध्य प्रदेश में पड़ती है, वहाँ पहुँचने का सबसे सरल मार्ग क्या है कैसे, उसके बारे में हम बताएंगे आपसे। हवाई मार्ग द्वारा गुना में वर्तमान में कोई हवाई अड्डा नहीं है। निकटतम हवाई अड्डा ग्वालियर में है जो गुना से करीब 212 किलोमीटर दूर है। रेल द्वारा गुना पश्चिम रेलवे की कोटा बीना खंड की बड़ी लाइन पर स्थित है। एक और रेल लिंक जो गुना मक्सी इसे इंदौर और उज्जैन से जोड़ती है। गुना से ट्रेन पुणे कोटा बीना उज्जैन इंदौर और ग्वालियर के लिए उपलब्ध है। गुना से भोपाल की दूरी लगभग 218 किलोमीटर है। सड़क के द्वारा गुना जिले मध्य प्रदेश के साथ अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। इसके साथ ही रेल मार्गों द्वारा भारत के अन्य सभी भागों से जुड़ा हुआ है। गुना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 पर आधारित है जिसका नाम आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग है। गुना से भोपाल की दूरी लगभग 218 किलोमीटर है। यहाँ पर्यटक स्थल के बारे में थोड़ा सा हम बताएंगे जो कि आप इस वेबसाइट पर देख सकते हैं। 20 भुजा देवी मंदिर जिला मुख्यालय से 8 किमी दूर बजरंगगढ़ की ऊंची पहाड़ियों पर 20 भुजा देवी का दरबार है जिसके बारे में आप वहां जाके दर्शन कर सकते हैं 20 भुजा देवी जी का। गोपी कृष्ण सागर डैम गुना शहर से लगभग 8 किमी दूर स्थित है। गोपी कृष्ण सागर डैम गुना बहुत ही अच्छा, वहाँ साइट सीन कर सकते हैं, वहाँ स्टीम से वाटर बोटिंग कर सकते हैं, घूम सकते हैं। टेकरी सरकार हनुमान मंदिर गुना जिला मुख्यालय के करीब 5 किलोमीटर दूर स्थित प्रसिद्ध सिद्ध स्थल श्री हनुमान टेकरी मंदिर ऊंची पहाड़ियों पर है। जैसा ये आपकी गुना की रजिस्टर्ड वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। और समारोह कोई होता है ठहर, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। टेकरी सरकार मेला लगता है, आयोजन अप्रैल महीने में होता। हनुमान जयंती के दिन टेकरी सरकार हनुमान मंदिर पर शहर में विशाल मेला का आयोजन किया जाता है। अब हम ठहरने की सुविधा के बारे में बता देते हैं। जो महाराज जी श्री बाला बागेश्वर धाम सरकार जी के सत्संग में प्रवचन में जो लोग श्रद्धालु जाएंगे उनके ठहरने के लिए क्या व्यवस्था है वो सब हम आपको बता देते हैं। वहाँ होटल वरुण गुना करके होटल वरुण है, होटल आप बुक कर सकते हैं, ए बी रोड गुना में होटल गुना होटल जगत होटल, और आपको रिजॉर्ट गेस्ट हाउस मिल जाएंगे। रिजॉर्ट्स एंड धर्मशाला के बारे में बता सकते हैं, तो आप यहाँ आवास होटल रिजॉर्ट धर्मशाला होटल रेस्ट होटल वरुड़ा होटल जगत बस स्टैंड के पास है, सत्यम होटल सम्राट होटल, इन सब पे आप कॉल करके जानकारी हासिल कर सकते हैं और रुकने की व्यवस्था कर सकते हैं। ये गुना जिलाधिकारी की रजिस्टर्ड वेबसाइट है जिसके माध्यम से हम ये डिटेल आप लोगों को बता रहे हैं। प्रमुख व्यंजन पोहा हल्का नाश्ता है। पोहा हमारे ज़िले का एक बहुत ही लोकप्रिय नाश्ता है। पोहा चावल को पका हुआ लुढ़का हुआ चपटा हुआ और कह सकते हैं हल्का नाश्ता कचौरी है। कचौरी गुना का एक जायकेदार व्यंजन है जो कि सामान्यतः नाश्ते में ली जाती है। गुना की कचौड़ी मालवा क्षेत्र में बहुत ज़्यादा फेमस है। और श्री बागेश्वर धाम
सरकार जी का ये हमने एक थंबनेल बनाया है जो कि ये हम आपको दिखाना चाहते हैं। ये प्रोग्राम का 10 मई का बागेश्वर धाम सरकार जी का प्रोग्राम है और आप लोग जाइए और महाराज जी के मुख से अमृत वाणी सुनिए, प्रवचन सुनकर अपने आप को भक्तिमय करिए, विभोर होइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। यह वीडियो श्री बागेश्वर धाम सरकार को समर्पित है और उनको डेडिकेट करते हैं। मैं सहज यात्रा माध्यम से महाराज जी के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया हूँ लखनऊ शहर से। सहज यात्रा की कंपनी बेसिकली ट्रैवल से रिलेटेड काम करती है, एयर टिकट, होटल, टूर पैकेज, आप डोमेस्टिक इंटरनेशनल कहीं भी घूम सकते हैं, सारा सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आप घूमना चाहते हैं हर मार्ग का हम डायरेक्शन करेंगे, आपका मार्ग सुविधाएँ व्यवस्था करते हैं, तो आप जरूर जाइए। मध्य प्रदेशवासी, पूरे भारत देशवासी कहीं से भी जाए, महाराज जी का प्रवचन सुने,